हमारे चैनल का नाम है लेट्स टॉक अबाउट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करिए, ये वीडियो को प्लीज लाइक करें, आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स टॉक अबाउट। आज मैं जो आपको अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ, आपको टाइटल देख के तो पता ही हो गया होगा, ये YSL का मेरा फर्स्ट बैग परचेस है, उसका मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। ये जो बैग है वो ऐसे बैग के अंदर दिया जाता है। मैं बैग को साइड कर देती हूँ और इस तरीके से बॉक्स पैकिंग में आता है ये बैग। ये जो बैग है बेसिकली YSL एनवेलोप मीडियम साइज बैग है। अब मैं इसको अनबॉक्स करने वाली हूँ। इसमें यहाँ पे ऐसे रिबन बांधा है उन्होंने, जिसको आप डायरेक्टली इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग प्रोसीजर। ये मैंने बॉक्स ओपन कर दिया। ये बॉक्स ओपन करते ही अगर आप देखेंगे, इसको काफी अच्छी तरीके से बटर पेपर, ब्लैक बटर पेपर में सिक्योर करके उन्होंने ये बैग रखा है। अगर आप ये बैग देखेंगे, मैं बैग को निकाल रही हूं, ये इस तरीके से डस्ट बैग में आता है। मैं बॉक्स को पीछे रख देती हूं। ये जो YSL बैग है ये डस्ट बैग में आता है इस तरीके से। लुक एट दिस। सो बेसिकली ये जो बैग है ये ऐसे गार्ड के साथ आता है। तो इफ यू ओपन दिस, अब मैं ये बैग का लॉक ओपन कर रही हूं। ये चेन को बेसिकली मेटालिक चेन है, इसको सिक्योर करने के लिए ये फुल पैकिंग किया गया है। सो इसका मैंने पैकिंग ओपन कर दिया है। अब जो अगर आप अंदर देखेंगे, अंदर की तरफ भी उन्होंने बटर पेपर का स्टफिंग दे रखा है। इसके अंदर एक उन्होंने मैनुअल सा दे रखा है। सो बेसिकली दिस इज अ मैनुअल और यू कैन कॉल इट एज अ बुकलेट। वो आपका बैग को कैसे केयर रखना चाहिए ये सारा चीजें यहाँ पे लिखी हुई रहती है। सो आई कीप दिस असाइड। नाउ अगर ये आप बैग ओपन करेंगे, काफी डिसेंट साइज है चीजें रखने के लिए। अगर आप देख सकते हैं काफी सारे चीजें जा सकते हैं, मोबाइल, वॉलेट, जो छोटे वॉलेट आते हैं वो रख सकते हैं, कीज रख सकते हैं, ईयरपॉड्स रख सकते हैं। ये मैग्नेटिक बंद करने का पैटर्न है इनका। ये बेसिकली आप क्रॉस बॉडी भी ले सकते हैं, साइडवेज में आप इसको पहन सकते हैं। इसका जो ये जो मैंने कलर लिया है ये ब्लैक एंड ब्लैक लिया है, बिकॉज यू नो आई डिड नॉट हैव एनीथिंग इन ब्लैक एंड ब्लैक। मेरे पास ब्लैक एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन है, ब्लैक एंड व्हाइट मेटल का कॉम्बिनेशन है, बट ब्लैक एंड ब्लैक में नहीं था। सो मैंने सोचा अगर मैं YSL का बैग लूंगी तो मैं थोड़ा डिफरेंट लेती हूँ ब्लैक एंड ब्लैक में, सो दैट वो ज्यादा क्लासिक से ज्यादा, मैं बोलूंगी ज्यादा चीजों में ये वेयर कर सकते हैं। इसमें ऐसे ये बेसिकली तीन हिसाब से इसको आप वेयर कर सकते हैं। एक तो आप इसको शोल्डर में पहन सकते हैं इस तरीके से, शोल्डर बैग के हिसाब से। एक दूसरे तरीके से जो क्रॉस बॉडी वे में है, मतलब आप इसको सीधा क्रॉस बॉडी लेके इस तरीके से आप इसको वेयर कर सकते हैं। इसका लेंथ भी काफी अच्छा है और
और एक तरीके से आप इसको वेयर कर सकते हैं, दैट इज, और इसको आप इन जनरल भी ऐसे एज अ क्लच यूज कर सकते हैं. सो ये काफी मल्टी फंक्शनल है, आप इसको काफी अच्छे तरीके से डिफरेंट आउटफिट के साथ ट्राई कर सकते हैं. ये बैग की अभी डिटेल में बात करते हैं. ये बैग लेदर से बनी हुई है, दिस इज काफ लेदर, एंड इसमें एक कोटिंग दी गई है जिसमें अगर आप अगर इसमें पानी या चाय कॉफी कुछ गिर जाए तो ये अब्सॉर्ब नहीं करता है. सो विच इज अगेन विच मेक्स इट मोर ड्यूरेबल. ये लेदर बैग है, काफ लेदर बैग है. इसके पीछे अगर आप देखेंगे एक पॉकेट दिया है जहाँ पे आप जो फोन फोन वगैरह है जो काफी इजीली आप इसको डाल के लेके जा सकते हैं. एंड इट इज वेरी इजी टू यूज बिकॉज यू नो यू कैन जस्ट टेक इट आउट. आपको बैग खोलने की जरूरत नहीं है, पीछे डाल दीजिए, जब भी फोन आए आप इसको डायरेक्टली लेके बात कर सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी गुड फीचर अबाउट दिस बैग. ऑल्सो इसका जो साइज है इट इज वेरी गुड. अंदर जो है यहाँ पे एक कार्ड पॉकेट दिया है, इफ यू कैन जस्ट सी, यहाँ पे एक कार्ड पॉकेट दिया है जहाँ पे आप जो कार्ड वगैरह है आप रख सकते हैं. और बाकी जो है नॉर्मल एक ही सेक्शन है, यहाँ पे बड़ा सा सेक्शन है जहाँ पे आप सारी चीजें रख सकते हैं. आई थिंक मेडिसिन, वॉलेट्स, इवन मोबाइल फोन्स, ईयरपॉड्स, या फिर जो छोटे मोटे जो चीजें लगती है एवरी डे के यूज में वो आप रख सकते हैं. सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस परचेज एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज दिस बैग. मैं काफी एक्साइटेड हूँ ये बैग लेने के लिए. आई रियली लाइक दिस बैग. आई एम क्वाइट हैप्पी विद द परचेज ऑफ दिस बैग. एंड आई फील ये काफी टाइमलेस पीस है और ये काफी मतलब काफी सारे जो आपके आउटफिट है उसके साथ काफी अच्छे से आप टीम अप करके इसको स्टाइल कर सकते हैं. सो ये है मेरा फर्स्ट YSL बैग रिव्यू. डू लेट मी नो आपको ये रिव्यू कैसा लगा, एंड ऑल्सो लेट मी नो अगर आपको इसके साथ अगर कुछ स्टाइलिंग टिप चाहिए तो डू लेट मी नो. हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को जरूर फॉलो करिए बिकॉज वहां पे मैं काफी सारे प्रोडक्ट्स के अपडेट देते रहती हूँ. आप हमसे जुड़े रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट एंड डू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर आवर फर्दर वीडियोज. आई अपलोड वीडियोज एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडेज. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.